हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया में ट्रांसपोर्ट के कौन से मोड यूज़ करे जाएं और उस मोड को यूज़ करने के लिए हमें कहां से टिकट्स मिलती हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सैमसंग के टिकट्स एंड सैमसंग ट्रेन से। सो हम यहां पे टिकट काउंटर पे हैं, सैमसंग की ट्रेन लेने आए हैं रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग की। तो अभी हम जब यहाँ पे काउंटर पे आए तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई लैंग्वेज में, तो मैंने सिंपल सी एक चीज़ करी कि गूगल ट्रांसलेटर को डाउनलोडेड किया हुआ था, उसमें जस्ट आपको बोलना होता है, वो ट्रांसलेट करके रशियन में उनको समझा देता है, तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा। सो फाइनली आई गॉट माई टिकट्स। इट विल कॉस्ट मी 3200 अगर मैंने दो तीन दिन पहले की कराई है, जैसे आज 29 है और मैंने 31 की कराई है तो थोड़ी चीप टिकट मिलती है। तो पहले टिकट लेने से उसका रेट जो फ्लैक्चुएशन है वो भी पता चलता रहता है, तो दैट्स गुड थिंग। और हमें टिकट मिल गई है और मैंने विंडो सीट मांगी है, देखते हैं कि विंडो सीट है। इसमें लगेज होता है 35 kg का पर पर्सन का, अगर आप सिंगल जा रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू 3500 rupees। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिंग है और इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। जब मैंने टिकट खरीदने आया तो जब मैं बाहर से टोकन ले रहा था तब भी किसी ने आकर के हेल्प करके टोकन मेरे को रिसीव करवाया था, बट सो दैट वॉज गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर। ये है लेनिन ग्रास्की रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आप जाके ऑन काउंटर टिकट भी ले सकते हो। इसके अलावा आप सैमसंग के लिए ऑनलाइन भी टिकट परचेज कर सकते हो। यहाँ से टोकन ले करके अंदर जा सकते हैं। ये टिकट ऑफिस है अंदर, और वहाँ पे मशीन भी लगी हुई है, वैसे तो आप मशीन से भी टिकट बाय कर सकते हैं, बट मैं आपको, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अंदर जाके सीधे टिकटिंग स्टाफ से ही टिकट परचेज करें। जैसे कि ये बिल्कुल रशियन बोलते, तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर इसमें डाउनलोड किया हुआ है। इसमें आप कन्वर्सेशन में जाकर के रशियन में बोलेंगे तो ट्रांसलेट होता जाता है, इजी हो जाता है, ये इनके लिए भी आपके लिए भी सब कुछ क्लियर हो जाता है बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती है। यहाँ पे इंग्लिश काउंटर होगा बट मैंने फाइंड नहीं किया, तो इट्स ओके, डन है सब कुछ। सो मैं अभी यहाँ पे टिकट्स करा रहा हूँ और ट्रांसलेटर से बात कर रहे हैं हम इनसे। इन्होंने अभी बुकिंग के लिए टिकट नंबर फ़ोन नंबर मांगा है, तो मैसेज आया फ़ोन नंबर पे मैंने लिया जी। तो पासपोर्ट लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप टिकट कराने आ रहे हो, तो विदाउट पासपोर्ट ये टिकट नहीं बुक करके देंगे। मनी हाउ मच? ओनली कार्ड। फाइनली टिकट प्रिंट होने के बाद टिकटिंग स्टाफ आपको ट्रैवल डेट, सीट नंबर और ट्रेन नंबर, ये सारी चीज़ें कंफर्म कराते हैं। तो इसी सारी चीज़ों के बाद हमें हमारे टिकट्स मिल गई हैं। हमें भी इसको वापस से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए, एंड इट वाज अमेजिंग। यहाँ का टिकटिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। आफ्टर दैट यू आर रेडी टू गो इन सैमसंग, आप ट्रैवल करने के लिए ऑन है। सो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं ट्रॉयका कार्ड के बारे में। ये एक ट्रैवल कार्ड है जिसको आप यूज़ करके मेट्रो, बस, ट्रैम एंड टैक्सी में ट्रैवल कर सकते हो। इसी कार्ड से कुछ जगह की आप टिकट्स भी परचेस कर सकते हो। ये कार्ड आपको बेसिकली किसी भी मेट्रो स्टेशन के टिकटिंग काउंटर पर मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर ट्रैम, बस स्टेशन, टैक्सी स्टेशन और मेट्रो स्टेशन सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायको कार्ड लेने आए हैं। यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले हैं, ब्लू कलर का कार्ड होता है सामने रखा होता है, आप उसे बोल सकते हो या फिर आप ट्रांसलेटर से समझा सकते हो। तो मैंने 500 rupees का रिचार्ज करवाया पर कार्ड में, तो इट विल कॉस्ट मी 550 rupees, मतलब 50 rupees कार्ड का रिचार्ज का अमाउंट होता है और 500 rupees इसका चार्ज होता है, तो कार्ड का रिचार्ज का जो हमें मिलेगा। यह है ट्रायको कार्ड और इसको यूज़ करके आप मेट्रो में इस तरीके से
टोकन की जगह लगा करके आप एंट्री कर सकते हो और मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो ईजिली। एंड आपको अगर बस में ट्रैवल करना है तो बस में ट्रैवल करने के भी दो तरीके हैं। बस स्टैंड पे आपको ये टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाती है जहाँ से आप टिकट खरीद करके बस में ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको अपना ट्राइको कार्ड यूज़ करना है तो ट्राइको कार्ड यूज़ करने के लिए जब आपकी जो बस आती है बस में आपको एंटर करना है। पहले एंटर करने के बाद आप जैसे ही बस में अंदर जाते हैं उसके बाद आपको इस टाइप की एक मशीन लगी मिलती है जिस पर आपको अपना कार्ड जस्ट प्लेस करना है, वो अपने आप टिकट का प्राइस डिडक्ट कर लेता है। सेंट पीटर्सबर्ग में अगर आपका कार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ पे हर बस में कंडक्टर मिल जाता है जिसको आप टिकट का चार्ज कैश में पे करके आप टिकट परचेस कर सकते हो। सिटी टूर करने के लिए आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है जो कि हॉप एंड हॉप ऑफ बस का ऑप्शन होता है जो आपको मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों जगह मिल जाएगा। इसकी टिकट ऑलमोस्ट आपको 2700 की पड़ती है फॉर 2 डेज। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम बात करने वाले हैं ऐप बेस्ड टैक्सीज के बारे में। हम अगर मॉस्को में देखते हैं तो मॉस्को में सबसे बेस्ट टैक्सी प्रोवाइडिंग यैंडेक्स करती है ऐप बेस्ड के अंदर, और ऊबर की भी सर्विसेज और कुछ 2-3 सर्विसेज और अवेलेबल हैं। बट अगर आपको टैक्सी में वहाँ पे ट्रैवल करना है तो हमेशा ऐप बेस्ड टैक्सी को ही यूज़ करना है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर सिटीज़ के अंदर इतना टैक्सी फ्रॉड होता है टूरिस्ट के साथ कि आपको बहुत ही आसानी से वो अपने स्कैम में फंसा सकते हैं। वो दूसरा मीटर चला देते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐप बेस्ड टैक्सी का फ़ायदा ये है कि आपको उसका अमाउंट पहले ही पता चल जाता है और आपको एग्जैक्ट जो अमाउंट आता है वही पे करना होता है, और इसमें आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होता है, वो आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके भी सामने वाले ड्राइवर से बात कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के बारे में। जैसा कि अभी एग्जांपल के लिए मैं अभी ट्रेन ले रहा हूँ अपना सेंट पीटर्सबर्ग से मुरमांस्क के लिए, और ये टिकट हमें पड़ी है 2400 रुपीज़ की अपर बर्थ की। अगर इसी टिकट को हम लोअर बर्थ में लेते तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 4000 की। तो ये थी हमारी ट्रेन जिसे हमने ट्रैवल किया सेंट पीटर्सबर्ग से मुरमांस्क तक। बहुत ही कम्फर्टेबल ट्रेन थी। यहाँ पर क्या है कि बहुत अलग अलग कैटेगरीज की ट्रेन्स हैं, हर सेक्टर में अलग ट्रेन्स हैं, तो ट्रेन्स के हिसाब से ही और डेज के हिसाब से टिकट के फेयर्स भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ट्रैवल करने से पहले देखनी है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी ट्रेन थी मुरमांस्क तक की जो कि 24 आवर्स की ले रही थी, और परफेक्ट बहुत ही स्मूथ ट्रेन थी और हमारा ट्रैवल भी बहुत ही अच्छा रहा। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सेल्फ ड्राइविंग कार रेंट का है। बहुत सारी एजेंसीज वहाँ पे हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार रेंट्स आउट करती हैं। इसके लिए आपको बस थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने के बाद आप इस कार को ले सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी सजेशन है कि अगर आप रशिया में सेल्फ ड्राइविंग कार ले रहे हो तो SUV ही लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार बर्फ़ होती है, और अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो कई जगह पे रास्ते थोड़े से ख़राब होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है तो बेस्ट है, और उसके साथ में अगर आपके पास 5 ईयर्स पुराना लाइसेंस होना रिक्वायर्ड है। कुछ जगह ये थोड़ी बहुत IDP ना भी हो तो भी चल जाता है, बट 5 साल वाला इनका ऑप्शन मस्ट होता है। आपको सेल्फ ड्राइविंग कार लेने के लिए 15,000 to 20,000 डिपॉज़िट करना पड़ेगा अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार ले रहे हैं तो, और जो कार है इसका आपको रेंट का कॉस्ट आता है 3,500 पर डे से लेकर के 8,000 तक का। कार के ऊपर अलग अलग डिफरेंट रेट्स हैं, और जब भी आप कार लें तो उसकी ज़रूर वीडियो बना लें कार रेंट आउट करने से पहले। सो लास्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लें जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट का ऑप्शन आ जाता है। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि एक एयरलाइन है वहाँ पे पॉबेदा एयरलाइन जो कि एरोफ्लोट के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है, जिससे आप रशिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बस उस फ्लाइट में ट्रैवल करने से पहले आपको चेक इन बैग और कैबिन बैग का जो फीस है, फ्री है या नहीं है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बुक करना होगा। आप इन सारी चीज़ों की डिटेल्स पॉबेदा एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हो। जस्ट इतनी सी चीज़ें करने हैं और आप बहुत सारा टाइम और पैसा बचा सकते हो। जैसे हमने अपनी टिकट्स ओनली 3500 की बुक की थी मुरमांस्क से रशिया मॉस्को तक की। होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।